बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो बेस कर रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो सिर्फ अभी 2020 तक के लिए है, और इस सिलेबस में मेजर डिस्पर्जन आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, और क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन करवाया जा रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी उसके साथ ही शामिल होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ग्रुप और अनग्रुप दोनों में इसके फॉर्मूले होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का तकरीबन सेम फॉर्मूला। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, ये इसका साइन होता है सिग्मा से डिनोट किया जाता है, रूट के अंदर यंग ग्रुप डेटा है, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। फार्मूला याद होने चाहिए, फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इजीली क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले को देखते हुए आपने अपने कॉलम्स वगैरह फॉर्म करने होते हैं। इसी तरह अगर हम वेरिएंस की बात करें, सिग्मा स्क्वायर, जब स्क्वायर लगा तो ये रूट आपका हट गया, सेम फार्मूला है विदाउट रूट, अनग्रुप डेटा। जहाँ ग्रुप डेटा की बात आती है वहाँ पर आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन sum of fx square upon sum of f minus summation fx upon summation f का होल स्क्वायर, डिवाइड करके फिर होल स्क्वायर लेना है। ये ग्रुप है, और क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायरिंग हो रही है सिग्मा की तो ये रूट हट जाएगा आपका। तो ये दो फार्मूले, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक वेरिएंस। अब इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, एक्स आपको दिया हुआ होगा, ऑब्जर्वेशंस आपने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, एक्स की स्क्वायरिंग करनी है, तो सम ऑफ एक्स आपके पास आ गया 30 और एक्स स्क्वायर का सम आपके पास आ गया 220। उसके बाद अब आपने इसको जो है फॉर्मूले में पुट कर दिया, रूट के साथ जो है हम लगाते हैं। ये देखें, ये पहले वेरियंस हम निकाल रहे हैं विदाउट रूट, ये रूट के बग़ैर हमने निकाला है। ये वेरिएंस अभी हमने ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था, वेरिएंस हमारा 8 आया। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरा आंसर आ रहा है 2.82। तो वेरिएंस 8 आया विदाउट रूट, मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया वेरिएंस का, और जब इससे जो भी आंसर आया उसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। तो 8 जो है मेरा आया वेरिएंस और 2.82 जो आया वो स्टैंडर्ड डेविएशन आया। बहुत इजी है, आपको बस कॉलम्स याद होने चाहिए कितने कॉलम्स करेंगे। अब इसी को अगर हम ग्रुप्ड डेटा में देखें तो ग्रुप्ड डेटा में क्लास इंटरवल्स दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, क्लास इंटरवल्स दी हुई है आपको और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। आपने सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकाले, मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये सारे आपके मिड पॉइंट्स आ गए। एक शॉर्टकट है, अगर 10-10 का डिफरेंस आ रहा है हर क्लास में तो ये भी 10-10 से ही इंक्रीज होगा। फिर आपने एक एफ एक्स का कॉलम बनाया, एफ एक्स का मतलब है एफ इंटू एक्स, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने एक एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम जो है वो बनाया, और एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाने के लिए आपने क्या किया है, आपने इस एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉलम हमने बचा लिया एफ स्क्वायर का। वो बनाकर भी ये काम हो सकता था, लेकिन इजीली आपने एक स्टेप अपना सेव किया, यहाँ पर टाइम बचाया, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करवा दो तो आपको एफ एक्स स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। तो एफ एक्स स्क्वायर हम इस तरह से इसको निकाल दी, तो ये हमारा जो है हमने टेबल अपना बना लिया, टेबल के हिसाब से ये हो रहा है, और ये एफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर्मूला हमें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर हम देखें दोनों के ग्रुप में, तो ये देखें ये फार्मूला है ग्रुप में और ये अनग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले वेरिएंस निकाल लें और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाता है।
तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, यानी 125,900 को डिवाइड करना है सम ऑफ एफ से, जो कि 68। फिर हमने माइनस का साइन लगाना है और उसके बाद हमने जो है एफ एक्स का सम लेना है ब्रैकेट के अंदर, ये है 2760, इसको भी हमने एफ के सम से डिवाइड करना है, यानी 68 से डिवाइड करना है, और फिर हमने इसका होल स्क्वायर भी लेना है। तो ये इसका हमने ले लिया होल स्क्वायर। अब जब ये काम करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा, तो 125,900 डिवाइडेड बाय 68, ये हमारा बन गया 1851.47। माइनस अगर इस पूरे को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें, 2760 डिवाइडेड बाय 68, और अगर हम इसका होल स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ रहा है 1647.40। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 1851.47 माइनस 1647.40, हमारा आंसर आ गया, ये वेरिएंस आ गया 204.06। और अगर हम इसका रूट ले लें तो रूट बन रहा है इसका 14.28, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा आ गया, और 204.06 मेरा वेरिएंस आ गया। तो ये कॉलम्स हमने बनाने हैं, उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट करना है और हमने रिजल्ट निकालना है। ये फॉर्मूले जो हैं हमारे, ये फॉर्मूले हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। उसके बाद जो इसमें अगली चीज़ है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ मीन के साथ है, वैसे ही मीडियन के साथ भी होता है, तो पहले हम इसको मीन के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। मीन डेविएशन विद मीन समेशन एक्स माइनस एक्स बार, जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ये मॉड्यूलस कहलाती है। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है ये आपकी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये आपकी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर अनग्रुप ये है, फॉर ग्रुप ये है। अभी कैसे कन्वर्ट करता है इसको देखते हैं। एक हमारे पास डेटा आ रहा है, कुछ ये है ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सबसे पहले हमने इनका लेना है अरिथमेटिक मीन, ये एक्स बार निकालना है, क्योंकि अनग्रुप है तो मैं एक्स बार भी अनग्रुप डेटा से निकालूंगा। समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स 63 एन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरिथमेटिक मीन मेरा आ गया 9। अब मैंने x में से इंडिविजुअली हर x में से इस अरिथमेटिक मीन को लेस करना है। 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 9 2, और 12 माइनस 9 3। इसके बाद हमने ये मॉड्यूलस लगाए, मॉड्यूलस ये जो बार्स लगाई हैं इससे क्या हुआ, -3 पॉजिटिव 3, -2 पॉजिटिव 2, -1 पॉजिटिव 1, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई जो है वो असर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, उसके बाद इस x माइनस एक्स बार का सम ले लिया। फॉर्मूला देखें, ये है हमारा सम। लेने के बाद हमने इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो 1.71 हमारा आ गया मीन डेविएशन विद मीन। मीन डेविएशन विद मीन, इसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहा जाता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन विद मीन भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम आप इस तरह का ये डेटा देखें दिया हुआ है, आप इसको भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें ये डेटा दिया हुआ है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी डेटा दिया हुआ है। अच्छा जी, अब इसको ग्रुप में देखें अगर हम, तो ग्रुप डेटा में या तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज होती हैं या एक्स आपको निकाल के दे देता है विद फ्रीक्वेंसीज। एक्स यहाँ पे मिड पॉइंट्स होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीक्वेंस में अगर वीडियो देखेंगे तो बात आपको समझ में आएगी, एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
अब यहाँ पर हमें एक fx का कॉलम चाहिए। fx का कॉलम क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन चाहिए, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा में समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। fx के सम को अगर आप f के सम से डिवाइड कर दें तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। तो ये हमने fx के सम को यानी 576 को f के सम 48 से डिवाइड कर दिया, हमारा अरिथमेटिक मीन 12 आ गया। अगला स्टेप वही है हमारा x माइनस x बार, तो x ये मौजूद है हमारे पास, x बार हमने इनमें से निकाल दिया, ये आ गया, मॉड्यूलस लगा दिया, और फाइनली हमने x माइनस x बार वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये दोनों कॉलम्स हमारे मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों कॉलम्स हमारे मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों कॉलम्स हमारे मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई करके ये आ गया, सम ले लिया हमने, उसके बाद हमने मेन फार्मूले में उसको रख दिया, 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम, हमारा मीन डेविएशन आ गया 0.75। सारा गेम फार्मूले का है, फार्मूला याद है, टेबल आप आसानी से बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद करने का तरीका ये है कि जितना ज़्यादा आप उसको लिखेंगे उतना ही ज़्यादा ये फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पर आएगा। तो ये हमने उसको देख लिया ग्रुप में, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ भी आ सकता है, ऐसे आपने एक्स निकालना होगा। 2018 प्राइवेट में ये क्वेश्चन उसने पूछा है। और तो ये इस तरह हमने क्या चीज़ कवर की इस वीडियो में, हमने कवर किया है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन। ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।